नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलव्य स्टूडियोज को और बेल आइकन बजाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। तो आज हम बातें करेंगे ट्रोल पुलिस के बारे में। ट्रोल पुलिस के एपिसोड में क्या क्या दिखाया गया था, तो इस एपिसोड में आए थे करण पटेल। यस, वही करण पटेल जो ये है मोहब्बतें में आते हैं, और वो बिग बॉस में भी आके उन्होंने इतनी सारी बातें बनाई थी, इतनी सारी चीजें हुई थी, हंगामे हुए थे, और मीडिया में उनका क्या इम्प्रेशन है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और कितने शॉर्ट टेम्पर है वो, ये बात तो सबको पता है कि वो बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है, बहुत जल्दी वो रिएक्ट कर जाते हैं, और इसी वजह से काफी लोग उनके पीछे भी पड़े रहते हैं, उनके पोस्ट पे काफी लोग कमेंट करते हैं। उन्हीं सब कमेंट्स में से एक कमेंट निकाला गया था, और उस इंसान का नाम था शाहरुख। बट शाहरुख उनका रियल नेम था, जिस आईडी से वो ट्रोल करते थे वो नाम था जन्नू बलराज। यस, वो एक फेक आईडी बनाई गई थी, और फेक आईडी बनाने के बाद उस आईडी से ट्रोल किया जाता था, और उनके हर पोस्ट पे गंदे गंदे कमेंट किए जाते। और ये क्यों किए जाते थे, क्योंकि एक बार करण पटेल ने मीडिया के सामने, मीडिया जब भी उनकी फोटो लेने आ रही थी तो उन्होंने मीडिया को बोल दिया था कि हटो जाओ और जल्द मेरे पास से, वरना अच्छा नहीं होगा। और उन्होंने बिग बॉस में आके जिस तरह से हिना खान को बोला और जिस तरह से आकाश को बोला, ये चीजें उसको पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो बस ट्रोल करता था उनको। अब इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी निकल के आई और बहुत सारी गलत चीजें भी निकल के आई। तो सबसे पहले बातें करते, जब करण पटेल आए, जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, मुझे पर्सनली मैं बताऊं तो उनका वे जो बात कर रहे थे वो बहुत जगह सही नहीं लगा। क्योंकि जब आप एक ट्रोलर के पास आते हो, एक ट्रोलर को सीधे करने आते हो, लाइक ये बोल रहे हो कि जो आपको ट्रोल कर रहा है उसको आप बुला रहे हो, और उसी सेम पॉइंट पे आप भी गालियां निकाल रहे हो, आप भी गालियों की तरह बातें कर रहे हो, जब उसके कमेंट पड़ रहे थे या जब ऐसी चीजें हो रही थी, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। हाँ, आई नो कि आप शॉर्ट टेम्पर हो, आई नो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आपकी लाइफ में जो शायद हम लोगों को नहीं पता होगी, जो आप फेस करते हो, बहुत सारी चीजें आप लोग देखते हो, तो आपको गाली देना जरूरी तो नहीं है कि आप गाली दे के ही बात करो। अब उस बंदे को बारे में रिसर्च किया गया, वो बंदा था मुंबई से ही 23 साल का, जो गोरेगांव वेस्ट में रहता है। अब वो केविन क्रू था जो जॉब छोड़ चुका है, उसकी फैमिली की बातें करते हैं। तो उसके जो फादर थे वो छोड़ के चले गए थे, उसके जो स्टेप फादर है उससे उनकी बनती नहीं है, और घर में उसकी दो सिस्टर भी है, उसके बावजूद वो बंदा किसी को ट्रोल करता है। एक और चीज, उसकी मॉम जो थी, उसकी मॉम करण पटेल के सीरियल भी देखती है, यानी कि ये है मोहब्बतें भी देखती है, और करण पटेल को पसंद भी करती है, उसके बावजूद उनका बेटा इस तरह से गंदी गंदी गालियां निकाल रहा है और ट्रोल कर रहा है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। तो मेन पॉइंट ये था कि उसको बुलाया गया कि आपको एक शो दिया जाएगा, आपको थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करनी है, पूरा सेटअप लगाया गया, कोर्ट वाला सेटअप, क्योंकि उसने बोला था कि करण पटेल को एक्टिंग करने नहीं आती है। उसकी मॉम भी जूनियर आर्टिस्ट रह चुकी है। एक बहुत अच्छी चीज दिखाई गई, जैसे ही करण पटेल से जब वो डिस्कस कर रहा था, करण पटेल आया था, फिर नॉर्मली उसको जो स्क्रिप्ट दिया गया था कि तुम पढ़ो, पहले तो वो सिखा रहा था कि हाँ तुम ऐसे नहीं, ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, जोर से चिल्लाओ, अपने आप में हल्ला करके बोलो, ताकि तुम्हारी जो अंदर का फेयर है वो खत्म हो जाए। तो ये अच्छी कॉन्सेप्ट दिखाई गई थी वहां पे, अच्छी कॉन्सेप्ट इस तरह से समझाया गया। लेकिन जो एक और चीज, जैसे उसने बोला कि मेरी मॉम जूनियर आर्टिस्ट रह चुकी है, तो करण पटेल ने बोला तब तो तेरे खून में भी एक्टिंग है। तो फिर से उस बंदे ने बोला जूनियर आर्टिस्ट, और करण ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जूनियर या सीनियर, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, और ये एक्चुअली सही बात है। तो कहीं कहीं करण ने बहुत अच्छे से बिहेव किया, बट वो गालियां भी निकाल रहे थे जो कि सही नहीं था। लेकिन वो एक्चुअली वो बंदा बहुत डर गया था, उसकी शक्ल से दिख रहा था। पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि वो फेक आईडी उसकी है, और जो क्रू मेंबर जो भी कैमरे लेके खड़े थे, तो करण ने बोला ये सारे साइबर क्राइम वाले हैं जो आपको मैंने केस किया है, और ये सब आपकी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो बच्चा, एक्चुअली वो बच्चा ही लग रहा था मैं बोलू तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बहुत घबरा गया था कि क्या होगा, क्योंकि करण से बार बार बोल रहे थे तो तुम्हें तो जेल जाना है, तुम्हें तो जेल जाना है। ये सारी चीजें हुई, और उसके बाद उसने एक्सेप्ट किया, उसने बताया कि मुझे आप नहीं पसंद हो, ये सारी मैंने क्यों नहीं किया, सारे रीजन बताए।
उस समय भी करण जो कमेंट्स अपने पढ़ा रहे थे कि मेरे कमेंट्स, ये जो तुमने कमेंट्स किया ये तुम पढ़ के दिखाओ, और कहीं ना कहीं ये रणविजय को दिखा कि अब करण कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं, तो रणविजय उठ के आया वहां पे। काफी समय आपने देखा होगा कि रणविजय किस तरह से कंट्रोल कर रहे थे करण को, उसको पीछे से पकड़ के या फिर उसके हाथ पकड़ के, कि करण गुस्सा ना हो या गुस्सा ना दिखाए, क्योंकि सबको पता है कि उनका गुस्सा कैसा है। और वो बच्चा भी एकदम डरा हुआ था, आप ये बोल रहे होगा कि मैं बार बार बच्चा क्यों बोल रही हूँ, तो मुझे वो बच्चा जैसा ही दिख रहा था बिल्कुल। तो बातें करते, करण पटेल जब उससे कमेंट पढ़ा रहे थे और वो एक्चुअली पढ़ नहीं पा रहा था, तो ये मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि पीछे से करना, आप कमेंट कर रहे हो एक सिस्टम के पीछे बैठ के कुछ भी लिख देते हो किसी के बारे में बिना उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने हुए। लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे गंदे कमेंट्स आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, लेकिन उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। और ये चीजें सेम करण ने बोला, क्या मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? मैं उसने जो भी किया है, वो जो भी एसआर के उसे बोलते हैं इंडियन टीवी इंडस्ट्री का, तो कुछ तो डिजर्व करता है वो। उसने इतनी अचीवमेंट की है कि लोग उससे बोलते हैं, उसके बहुत सारे फैंस हैं। ये चीजें आप मानो या ना मानो, बहुत बहुत लोग उसको सपोर्ट करते हैं, बहुत लोग उसके डायहर्ड फैन है। लेकिन जो आप पीछे से कमेंट करते हो उससे क्या बिगड़ जाएगा? कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हो। ये मैं हर ट्रोल पुलिस के एपिसोड में आपको बताती हूँ कि प्लीज किसी को भी गलत कमेंट या गालियां ना दे, इससे आप गलत बनोगे, कोई और नहीं बनेगा जिसको भी आप बोल रहे हो। फिर फाइनली उस बंदे ने एक्सेप्ट किया कि उसकी गलती थी, उससे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो फ्रस्ट्रेशन में था, उसने जब ये बात बोली तो रणविजय ने एक बहुत अच्छी चीज बोली, और वो थी कि क्या ये सब करने से क्या तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन चला गया, या तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम, जो भी तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम है, क्या वो चली गई? नहीं गई, राइट? तो फिर क्यों करना? आप इतना जो समय निकाल के ये सब गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, कोई भी करता है, जो भी ये गंदे कमेंट्स करता है, उतना टाइम आप अपनी लाइफ को बनाने में या अपनी लाइफ पे वर्क करने में आप उतना निकालोगे, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ये बहुत ही अच्छी चीज सिखाई गई है आज। लास्टली करण ने उसे माफ किया, करण ने उसे समझाया कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम आगे सीखो और ये सारी चीजें ना करो आगे से। और उसने भी बोला कि मैं अपने कमेंट्स डिलीट कर दूंगा। तो ट्रोल पुलिस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मैं यही बोलूंगी कि प्लीज आप लोग गंदे गंदे कमेंट्स नहीं कीजिए, आप लोग गलत जाओगे, आप लोग ही गलत बनोगे, और क्या फायदा है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि आजकल लोग ट्रोल पुलिस में आने के लिए भी बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं ताकि वो टीवी पे आ सके। तो ये चीजें करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक आप, एक तो गलत जा रहे हो, आप ही गलत जा रहे हो, मैं ये बोलूंगी कि आप ही गलत जा रहे हो। दूसरा कि आप ट्रोल कर करके आप ये चाहते हो कि मैं ट्रोल पुलिस में चला जाऊं, तो किसकी इमेज खराब होगी? आपकी इमेज खराब होगी और किसी को कुछ नहीं होगा। आप जिसको ट्रोल कर रहे हो वो जो काम कर रहे हैं वो करेंगे ही। लाइक बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों को अभी भी ट्रोल करते हैं और गंदे गंदे कमेंट्स लिखते हैं, तो इससे सिर्फ और सिर्फ आप गलत बनोगे और कोई नहीं बनेगा। तो ऐसा मत कीजिए सिर्फ एक टीवी पे जाने के लिए। अगर आप टीवी पे जाना ही चाहते हो तो एक्टिंग करके जाओ, आप कुछ ऐसी चीजें करके जाओ जो आपके में काबिलियत है, जो आपके में चीजें है कि आप वो चीजें कर सकते हो, तो करो, लेकिन ट्रोल मत करो, मैं यही बोलूंगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में आएगी मंदिरा बेदी। यस, मंदिरा बेदी, जिन्होंने अपने बलबूते पे एक पूरा मुकाम हासिल किया, हर चीज किया है, और उसका देखते हैं कि उनको कौन ट्रोल कर रहा है, क्योंकि ट्रोलर तो कभी बच के नहीं जा सकते हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट का एपिसोड। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो में कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो नेक्स्ट हम रिव्यू लेके जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।